हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में कितने प्रकार के मोटर यूज किए जाते हैं और ये भी जानेंगे कि कौन सा मोटर अच्छा होने वाला है और मोटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानेंगे कि, कि किस बात पे मोटर का क्या डिपेंड करता है चलिए शुरू करते हैं मैं सिद्धार्थ कुमार और आप सभी का आई हिंदी में स्वागत है तो सबसे पहला बात जो कि हमारे मन में आता है जैसे कि फैन में कूलर में और वॉशिंग मशीन में मोटर लगाया होता है वही हम सोचते हैं कि क्या यह भी मोटर हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी होता है तो इसका आंसर है जी नहीं जो हमारे घरों में होम अप्लायंस में यूज किया जाता है उस मोटर को इंडक्शन मोटर बोलते हैं तो जो हमारे ईवी में यूज किया जाता है ये मोटर बिल्कुल भी अलग होता है और इसके स्पीड इस में काफी वेरिएशन होता है तो इसलिए ये अलग प्रकार का ही एक मोटर होता है जैसे कि आप सोच सकते हैं कि आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को 80 की स्पीड में ले जा रहे हैं और इंस्टेंट ही आपके सामने कुछ आ गया तो आप ब्रेक लगाएंगे उसके बाद मोटर का जो पावर है वो धीरे धीरे गिरते चला जाएगा इसलिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में मोटर यूज किया जाता है वो बिल्कुल भी जो हमारे होम अप्लायंस में यूज किया जाने वाला मोटर होता है उससे अलग होता है तो चलिए बात करते हैं मोटर किन किन बातों पर निर्भर करता है सबसे सब पहले बात करते हैं टॉर्क के बारे में यह एक फंडामेंटल पैरामीटर है इलेक्ट्रिक मोटर का जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के क्षमता को देखता है और इसी के मदद से मोटर रोटेशनल फोर्स करता है आसान की भाषा में ये समझिए कि जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतनी ही गाड़ी ज्यादा एक्सेलरेशन अचीव कर सकती है नेक्स्ट पैरामीटर है पावर यह कार्य करने की गति को मापता है इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा पावर रहेगा उतनी तेजी से आपका बैटरी डिस्चार्ज होगा और इसको किलोवाट में मेजर किया जाता है जैसे कि आपने सुना होगा कि आपका मोटर कितना किलो का है तीन किलो वाट चार किलो वाट तो वही होता है नेक्स्ट पैरामीटर है एफिशिएंसी इलेक्ट्रिक मोटर को हाई एफिशिएंट होना चाहिए क्योंकि यही एनर्जी को बैटरी में स्टोर करता है और यही रीजनरेटिव ब्रेकिंग को भी सपोर्ट करता है तो चलिए अब मोटरों के बारे में बात करते हैं हमारे देश में मेनली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में दो प्रकार के मोटर यूज किए जाते हैं एक है बी मोटर और एक है पी मोटर तो सबसे सब पहले बात करते हैं बी मोटर को बी मोटर को ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर भी कहा जाता है बी मोटर अपने संचालन के दौरान अच्छा नियंत्रण और प्रदर्शन करता है डीसी मोटर की तरह ही बी मोटर के निर्माण में दो भाग होते हैं रोटर और अस्टेटर रोटर मोटर का घुमाने वाला हिस्सा है जो वाहन को घुमाता है और अस्थायी चुंबक से बना होता है स्टेटर मोटर का स्थिर भाग है और वे तांबे की वाइंडिंग से बना होता है अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर बात करते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैग्नेट का अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है इसी प्रिंसिपल का उपयोग बी मोटर के संचालन में किया जाता है अब कुछ महत्वपूर्ण फीचर बी मोटर के बारे में जानते हैं यह साइज में कॉम्पैक्ट होता है मतलब छोटा होता है यह रिजेनरेटिंग ब्रेकिंग भी ऑफर करता है प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल और हाई टॉर्क ऑफरिंग इसे ईवी के लिए सुटेबल बनाता है बीएलडीसी मोटर हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल टीवीएस आई क्यूब सिंपल वन बाउंस इंफिनिटी जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटरों में यूज किया जाता है और बी मोटर को बनाने वाली भारत में कंपनी स्पार्क मोटर प्राइवेट लिमिटेड गोगो ए वन डॉट कॉम और राजा माने इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है अब बात करते हैं दूसरे मोटर की पी मोटर तो दूसरा मोटर है पी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रेनस मोटर शायद प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो लेकिन आप लोग समझ सकते हैं पी एम एस एम मोटर हाई पावर डेंसिटी हाई एफिसिय और ऑब्सेंस ऑफ टॉर्क रिपल के कारण सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले ईवी में मोटर है और यह मोटर शोर भी बहुत ही कम करता है इस मोटर का उपयोग टू व्हीलर थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर में भी किया जाता है पी एम एस एम मोटर बी एल डीसी मोटर की तरह डी सी नहीं बल्कि ए सी शक्ति स्रोत से चलती है जब स्टेटर को थ्री फेज ए सी पावर दी जाती है तो स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस करता है पैरामैग्नेट द्वारा उत्पन्न कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग स्टेटर मैग्नेट के साथ होता है इसी प्रिंसिपल पर पीएमएसएम मोटर काम करता है तो चलिए अब बात करते हैं कौन सी कंपनी इस मोटर को यूज करती है तो इस मोटर को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में एथर एनर्जी एम्पियर इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां यूज करती हैं जबकि फोर व्हीलर में टाटा नेक्सोन महेंद्रा एक्स यूवी फोर हंड्रेड एमजी कोमेट एंड टियागो भी यूज करती है चलिए अब जानते हैं कि इस पी एम एस एम मोटर को कौन कौन सी कंपनी बनाती है तो ए बी बी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है सुमित इंजीनियरिंग वर्क्स बनाती है और नारूला इलेक्ट्रिकल्स भी बनाती है एक और मोटर है जो कि एस आर एम है इस मोटर को टेस्ला कंपनी ही सिर्फ यूज करती है तो इस मोटर के बारे में हम उतना नहीं जानेंगे और जब इस मोटर को भारत की कंपनियां यूज करने लगेंगी तो इस मोटर के बारे में भी मैं बताऊंगा तो चलिए कुछ पैरामीटर के बारे में बात करते हैं कि पी मोटर में कैसा पैरामीटर है और बीएलडीसी मोटर में कैसा पैरामीटर है एफिसियंसी की बात करें तो पी मोटर में हाइएस्ट होता है बी मोटर के कम्पेरिजन में जिसके कारण पी मोटर की बनी स्कूटर ज्यादा स्पीड पकड़ सकती है और उसमें टॉप स्पीड काफी अच्छा होता है पावर डेंसिटी की बात करें तो पी मोटर का हाई होता है बी मोटर के कंपेरिजन में जिस के कारण PMSM मोटर काफी छोटा होता है BLDC मोटर के कंपैरिजन में मेंटेनेंस की बात करें तो दोनों ही मोटर कम मेंटेनेंस मॉडरेट है तो ओवरऑल ये कंक्लूजन निकलता है कि BLDC मोटर के कंपैरिजन में PMSM मोटर काफी अच्छा है जिसको काफी बड़ी-बड़ी कंपनियां भी यूज करती हैं जैसे कि टाटा Nexon एथर Energy और भी बड़ी-बड़ी कंपनियां PMSM मोटर को यूज करती हैं और PMSM मोटर काफी अच्छा है जैसे कि ये मोटर साइज में भी बी मोटर के कंपैरिजन में छोटा होने वाला है और इसकी एफिशिएंसी भी बी मोटर से ज्यादा होती है जिसके कारण टॉप स्पीड ज्यादा पकड़ सकती है तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा मोटर आपके लिए अच्छा होने वाला है और आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अच्छा होने वाला है तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे और इसी प्रकार से ईवी से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल ईवी हिंदी को सब्सक्राइब करे और किसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक